अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज़ 24x7। राजद ने आज समीक्षा बैठक कर ली। कयास लगाया जा रहा था कि बड़ा उलटफेर हो सकता है संगठन में। आज जो इस तरीके से संसद बैठक करने के बाद राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज की बैठक राजद की उन साथियों का जो चुनाव लड़े थे बिहार महागठबंधन के, उनकी एक बैठक हुई और बैठक में मुख्य बात यह हुआ कि सभी लोगों ने एक स्वर से नेता विरोधी दल तेजस्वी जी को इस बात के लिए प्रसन्नता प्रकट की, उनको बधाई दी। उन्होंने अथक परिश्रम कर महागठबंधन के लिए जो जनजागृति फैलाने का काम था पूरी सेना पर, उनका निर्वाह बाखूबी किया। ये जो नतीजा आया है, हम सब उस नतीजे को नहीं मानते हैं। यह एक षड्यंत्र के द्वारा प्राप्त किया हुआ लोगों का जो बहुमत है, हम उसे जनादेश नहीं मानते हैं। जिन लोगों की सभाओं में लोगों की उपस्थिति रही नहीं होती, जिन लोगों के चेहरे गिरे हुए थे, जिन लोगों का पूरे चुनाव के दौरान कहीं कहीं उत्साह नहीं था, महागठबंधन हर मोर्चे पर आगे बढ़कर लड़ाई को लड़ रहा था, लेकिन जो परिणाम आया उस परिणाम को हम लोग एक षड्यंत्र का परिणाम मानते हैं, जिसकी हम लोग एक कमेटी हम लोग ने बनाई है, जिसको माइक्रो लेवल पर सारी चीज़ों पर विचार विमर्श हम लोग करेंगे। आज की दिन हम षड्यंत्र के द्वारा महागठबंधन को हराने के लिए जिन जिन षड्यंत्र का प्रयोग लोगों ने किया है, हम सब उसको लोगों के सामने रखेंगे। और इस तपती धूप में हमारे नौजवान नेता तेजस्वी ने जितनी मेहनत और परिश्रम की है और नौजवानों में जो उत्साह पैदा किया है, वह उत्साह बनाए रखेंगे हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव तक, और 2020 के चुनाव के लिए अति उत्साह। कहीं से हम महागठबंधन के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हतोत्साहित नहीं हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि जनता ने हमें जीत दी है और जनता के जनादेश हमारे पक्ष में था, लेकिन जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे किस षड्यंत्र के द्वारा इस नतीजे को इस तरह से इस बिहार में हमारे विरोधियों ने प्राप्त किया है, हम लोग उसकी जांच करेंगे। माइक्रो लेवल पर लोगों से मिलेंगे और किस तरह से जो सही जनादेश था उसको पलटने का काम इन लोगों ने किया है। यही दो बातें आज मुख्यतः हुई और अपने नेतृत्व पर राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण विश्वास करता है। मार्गदर्शन आदरणीय लालू जी का मिलता रहेगा और राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल काउंसिल थी उसके द्वारा जो आदेश प्राप्त है श्री तेजस्वी जी को, ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व करते रहेंगे विधानसभा की चुनाव तक। आज हम सबों ने उनको बधाई भी दिया, धन्यवाद दिया उनकी मेहनत को। 235 मीटिंग इस चिल्लाती धूप में जिस नौजवान ने किया है और यहाँ की लड़ाई सभी लोगों ने मिलकर तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो हम लोग लड़े थे उसके खिलाफ सभी लोग लड़े हैं, लेकिन अकेला ये नेता सबसे आगे रहा है, हर दृष्टि से आगे रहा है। बिहार की जनता ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय जनता दल का ये नौजवान नेता ही इस बिहार का भविष्य है। इसी के साथ हम लोगों ने आज की सभा अपनी बैठक कमेटी में कौन कौन है जो कमेटी बनी सुना। जगदानंद साफ रूप से कह रहे हैं कि जो भी हमें जनादेश मिला है उसका अपमान किया गया है, में हमारा वोट को कन्वर्ट कराया गया है, कहीं ना कहीं जरूर उंगली उठा दी गई है ईवीएम पे किस तरीके से चुनाव कराया गया था। उन्होंने साफ रूप से कह दिया कि ये खंड करके और किस तरीके से हमसे धोखा से लोगों के धोखा से जो जो वोट मिला है उसकी उसके अनुसार जो कि सरकार बनाया है। दरअसल देखने वाली बात यह है कि एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी में जगदानंद सिंह है, आलोक मेहता है,
बदलदारी शिद की है, इससे यह पता किया जाएगा कि कहां चूक हुई है महागठबंधन के उम्मीदवारों के। कैमरा पर्सन संजीव आर्या के साथ सौरभ शर्मा, इलाहाबाद न्यूज 24 के साथ पटना। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।